नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 8 अगस्त 2021, जो 8 अगस्त 2021 को जो टीजीटी का पेपर हुआ था सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का, ये जो है आयोग द्वारा घोषित फुल आंसर की आ चुकी है दोस्तों। और आयोग द्वारा जो आंसर की घोषित की गई है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मिलाएंगे दोस्तों। और ये ज्योग्राफी का पार्ट है दोस्तों, इसमें 4 विषयों का कॉम्बिनेशन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट लेना होता है और यूपी टीजीटी आप तभी दे सकते हैं जब आपका बीएड कंप्लीट हो। इसमें बीटीसी नहीं मांगता है, इसमें बीएड मांगता है। तो दोस्तों ये आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आगामी परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, पेट या इंटीग्रेट भर्ती परीक्षा की बात करें, सुपर टेट, रीट और एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सेक्शन को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका कुल 125 क्वेश्चन होता है, जो कि 2 विषयों से 62-62 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 124 हो गया, और एक जो है कॉमन नंबर होता है। तो चारों विषयों से एक एक प्रश्न आता है, उनमें से किसी एक को आपको करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी आप विषय लिए हैं उन्हीं में से जो है हमको करना है, ऐसा नहीं है। जो ये कॉमन नंबर जो 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन चारों में से किसी एक से भी आप जो है प्रश्न कर सकते हैं। ये कॉमन नंबर होता है, सबके लिए होता है। तो इस तरह से जो है 125 नंबर आपका बन जाता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें है देखिए, पहले भूगोल से लिया गया है पहला प्रश्न, कह रहा है कि अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी केरल। देखिए इसमें हम सभी विकल्प नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो है हम विकल्प सिर्फ बताते चलेंगे। क्योंकि इसमें आगामी परीक्षा के लिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि सीटेट हुआ, टेट हुआ, और ये अभी जो 24 तारीख को आने वाला है पेट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो प्रश्न हो सके यहाँ से भी पूछा जा सके, तो इसे आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, दूसरा इतिहास से प्रश्न उठाया हुआ है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे कुणाल यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कुणाल से मिला हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों तीसरा नंबर, देखिएगा तीसरा वाला, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है। देखिए ये इकोनॉमिक्स यानी जो है अर्थशास्त्र है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, अत्यधिक निवेश की अवस्था से है। फिर है चार नंबर कि किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। देखिए ये पॉलिटिक्स से उठाया हुआ है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी गार्नर। तो ये कॉमन होता है, इसमें से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना होता है। फिर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है 62-62 के आएंगे। देखिए ये ज्योग्राफी यानी भूगोल का पार्ट है दोस्तों। अब देखिए वहाँ से एक कॉमन नंबर था, अब यहाँ से 2 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये 62 नंबर तक जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ दूसरा नंबर जो पूछ रहा है कि युर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है। युर्त, तो युर्त जो है ये खिरखीच का है दोस्तों, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पिग्मी की अगर हम बात करें तो पिग्मी का जो होता है इसे मोंगुलस बोलते हैं, पिग्मी के घर को मोंगुलस बोला जाता है। एस्किमो की बात करें तो इसको आप लोग जान ही रहे होंगे कि इग्लू कहते हैं, लेकिन ध्यान में रहे दोस्तों, 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एस्किमो में शीतकालीन जब घर पूछे तो आपका इग्लू रहेगा, या पूछ ले कि एस्किमो का घर तो भी इग्लू रहेगा, लेकिन ग्रीष्मकालीन अगर पूछ ले कि एस्किमो का घर कौन सा है तो आपका ट्यूपिक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ट्यूपिक, ट्यूपिक। आगे है जो है पूछ रहा है बुशमैन का, यानी बुशमैन के घर को क्या बोला जाता है। तो इसको जो है टेंट, तंबू, इस तरह से जो है बोला जाता है, टेंट या तंबू, क्योंकि ये अस्थाई होते हैं, कहीं अस्थाई रूप से निवास नहीं करते हैं। जहाँ जगह मिल गई वहाँ पे टेंट और तंबू बना करके रुक गए, फिर आगे बढ़ लिए। तीसरा आपका क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पे कि हिटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। 11 क्षेत्रों में, 12, 13 या फिर 14। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी खनिज तेल क्षेत्र को कहा जाता है। झरना के रूप में जो है संपन्नता का जो झरना होता है ये खनिज तेल क्षेत्र को बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जनगणना से क्वेश्चन आया था, जनगणना में ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही। तो सबसे कम की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा, यानी नागालैंड में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही जनसंख्या के मामले में। आइए 6वां नंबर का देखते हैं। 6वां नंबर हमारा है क्वेश्चन, देखिएगा कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है कर्नाटक, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए और भी चिन्ह लगे होंगे दोस्तों, तो उसे आप ध्यान मत दीजिएगा, जो हम इस समय बता रहे हैं वही विकल्प आप लोग मानिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, 7वां नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी गुजरात। ये आप लोग जान भी रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें था ऐसा जो कि बहुत ही सरल बने थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ट्रिपिकल थे, बहुत ही कठिन थे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए हमें आगामी में जो है आगे एग्जाम भी देना है, तो हमें पढ़ना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं दोस्तों 8 नंबर से, यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर में पूछ रहा है कि संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। देखिए मानव एवं संसाधन के मध्य संतुलन स्थापित करना ये भी है, संसाधन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ये भी है, संसाधनों का विकास करना ये भी है। आगे है 9 नंबर, भूमध्य रेखा पर एक देशांतर की दूरी है। आपके जो विकल्प हैं दोस्तों यहाँ पे पहला वाला ही विकल्प सही हो जाएगा, यानी 111.32 किलोमीटर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 10 नंबर, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपके विकल्प हैं राजस्थान में अंता, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का, बिहार में बरौनी। यह स्थान का नाम है दोस्तों, और यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उड़ीसा में गौरीपुर नहीं है, बाकी सब राजस्थान में अंता भी पड़ता है, गुजरात में सिक्का नामक स्थान है, बिहार में बरौनी है, लेकिन उड़ीसा में गौरीपुर नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प यही जो है गलत है, और यही जो है सही है। आगे है दोस्तों, हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, हरित वनस्पति, ये सभी जो है क्या है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम में आ जाते हैं। इसीलिए जो है सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है यही है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि कुछ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उसमें हमें सबसे परफेक्ट वाला जो आंसर होता है उसे चुनना होता है। देखिए दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए, जो कि दक्षिणी अमेरिका में। तो जब दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो उसमें एंडीज पर्वत हो जाएगा, यानी बी वाला विकल्प हमारा ये सही है। राखी तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला के रूप में जो है ये विकसित है। ये आपका देखिए महाद्वीप है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये इस तरह से करके है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये जो है यहाँ से लेकर के ऐसे ये फैला हुआ है। तो ये जो है सबसे लंबी जो है पर्वतमाला है एंडीज। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है। देखिए फिर पूछ रहा है कि रबर उत्पादक देश नहीं है। आपके विकल्प हैं ब्राज़ील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया। तो यहाँ पे ब्राज़ील वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक कहवा पैदा होता है, ना कि रबड़। रबड़ के मामले में मलेशिया सबसे पहले नंबर पे है, फिर इसके बाद थाईलैंड है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है कि प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसी काफ़ी डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन आ गया था, डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत, यही जो है सही नहीं है, बाकी सब। ड्राबिन का अवतलन सिद्धांत ये है, और मरे का स्थिरस्थल सिद्धांत ये भी सही है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये भी सही है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, आइए देखते हैं। पूछ रहा है कि क्राल बस्ती डॉट डॉट से संबंधित है। तो
तो यहाँ पे तुंग, याकूत, सकाई, मसाई, यहाँ पे सब जनजातियाँ दी गई हैं, तो बस्ती पूछ रहा है, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी मसाई जनजाति के बस्ती को हम क्या बोलते हैं, कराल, कराल बस्ती बोलते हैं। आगे है कि पूछ रहा है शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है, तो ये कर्नाटक में है दोस्तों, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, और शरावती नदी पर ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों आपसे पूछ रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें कथन और कारण करके दिया गया है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, और आर कह रहा है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। देखिए यहाँ पे ए वाला विकल्प सही है, ए एवं आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए यदि आप ये जान लेते हैं कि न्यू इंग्लैंड में औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, अगर ये आप मन में ये सोच रहे हैं कि ये औद्योगिक प्रदेश है, तो औद्योगिक प्रदेश वही होगा दोस्तों जहाँ पे कच्चे माल उपस्थित होंगे, तभी यह औद्योगिक प्रदेश होगा। तो फिर आर में दिया गया है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है, तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ए वाला विकल्प सही है। इस तरह से कथन कारण को हल करते हैं। देखिए इसमें बीच में क्योंकि लगा दीजिए, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, क्योंकि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है, अपने आप यह आंसर निकल आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है। आपके विकल्प हैं उष्ण प्रदेश, ध्रुव, शीतोष्ण और समुद्री प्रदेश। तो देखिए जो आयोग ने यहाँ पे जो उत्तर माना है ये है उष्ण प्रदेश। वैसे आपको हम आपको बताते चलें कि समुद्री प्रदेश भी है, समुद्री प्रदेश भी है, लेकिन उष्ण प्रदेश किस तरह से है। देखिए जो समुद्र का जो प्रदेश है ये उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आ ही जाता है, जैसे भूमंडल पर है तो उष्ण प्रदेश कौन सा है, ये भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है इसके इर्द गिर्द होगा, तो इसके इर्द इर्द में जो है समुद्री प्रदेश भी आएंगे, यानी समुद्र भी आएंगे, तो इस तरह से जो है उष्ण प्रदेश है, यानी ए वाला विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि दो कलाम पठार डाट डाट के त्रिसंगम स्थल पर स्थित हैं, तो किसके संगम पर स्थित हैं। तो दो कलाम पठार, दो कलाम विवाद आपने सुना रहा होगा नाम, ये पिछले 2 सालों की बात है, जो कि भारत चीन एवं भूटान के मध्य सीमा में है, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर पूछ रहा है कि प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जलोढ़, पंखों तथा घाटी तल पर, यही जो है ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, रूस के ग्रामीण अधिवास को कहते हैं, यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी शोध खोज कहते हैं। देखिए रूस के ग्रामीण अधिवास को क्या कहते हैं, शोध खोज, लेकिन यही कृषि फार्म को पूछ लिया जाए कि कृषि कृषि फार्म को क्या कहते हैं, तो कृषि फार्म को कहते हैं कोल खोज, ध्यान में रखिएगा दोस्तों कोल खोज, बहुत ही ट्रिपली ये क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इसमें कोल खोज दिया होता तो बहुत ही ट्रिपिकल हो जाता कि किसको लगाएं किसको ना लगाएं, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है सही है, यानी शोभ खोज, तो ग्रामीण अधिवास को शोभ खोज और कृषि वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोल खोज, ध्यान में रखिएगा कोल खोज और शोभ खोज। आइए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं महानदी पर, उड़ीसा में है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 23 नंबर पूछ रहा है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसे वर्णित किया गया है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही होगा कि ये बैराज ने इसको वर्णित किया था, H.H. बैराज। आइए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ह्यूमन जोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही है, यानी D.M. स्मिथ ने लिखी है। आइए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। तो देखिए जो नदी आपकी होती है एक धारा के रूप में ऐसे बहती है, ध्यान में इसको दीजिएगा, और जो
नहर होता है वो भी इसी क्रम में ऐसे चलते हैं, यानी एक रेखीय के क्रम में होते हैं। फिर पूछ रहा है कि नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है, यानी विकास का अगर जो सड़क अगर निर्मित किया जाए तो किस रूप में होगा, चक्राकार होगा यानी इस तरह से, तो इस तरह से होगा नहीं, क्रॉस के आकार का यानी इस, तो इस तरह से भी नहीं होगा, रेखाकार, जी हाँ, तो सड़क कैसे होगा, ऐसे होगा, नहर के जस्ट ऐसे किनारे से ऐसे जाएगी, तो ये रेखाकार, इसलिए सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वर्गाकार भी नहीं होगा, वर्गाकार इस तरह से होता है। आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा कि गारो राज्य महल बिदर का निर्माण डॉट डॉट द्वारा हुआ था, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों कि अंध भ्रम। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों कि सामान्यतः इनमें से कौन सा प्रद्यार चट्टानों में पाया जाता है, बेसाल्ट, सेल, सिलिका या फिर मैग्नीशियम। तो देखिए इसमें सेल और सिलिका दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो परफेक्ट आंसर, देखिए हमने आपको बताया था ना कि जो परफेक्ट आंसर होता है उसी को आयोग मानता है, यहाँ पे सिलिका जो है ये आयोग द्वारा घोषित किया गया है कि सिलिका है, सिलिका भी पाया जाता है प्रद्यार चट्टानों में और सेल भी पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा ये दोनों हैं, तो यहाँ पे लेकिन परफेक्ट जो है ये सिलिका, यदि ऑप्शन में सिलिका रहे तो सिलिका आप लोग मारिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर देखेंगे, 28 नंबर में कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प यानी मणिपुर से। इसका एक सूत्र था, मित्र पर गमछा झार, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर है देखिएगा दोस्तों, पूछ रहा है कि हार्ट बेट के अनुसार न्यूजीलैंड में डॉट डॉट प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। ये भी काफ़ी ट्रिपिकल क्वेश्चन था दोस्तों, समझ में नहीं आया, लेकिन आयोग द्वारा ये भी उत्तर यही बताया गया है कि BVR। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर, जी हाँ दोस्तों दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अनई मुदी है और ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है दोस्तों। दूसरा आपका दोद्दा बेट्टा, यानी दूसरे नंबर पर ये पूछ ले कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, तो आपका दोद्दा बेट्टा हो जाएगा, और सर्वोच्च शिखर पूछे तो अनाई मुदी, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो ये प्रस्तुत किया गया था डी वाला विकल्प यानी जेफ्रीज के द्वारा। आगे है दोस्तों, हेक्टो पास्कल डाट डाट मापने की एक इकाई है, तो किसकी इकाई है दोस्तों, ये पूछ रहा है, ऊर्जा की, ऊर्जा की तो होगी नहीं, वायुदाब, जी हाँ दोस्तों, यानी बी वाला जो है ये वायुदाब जो है, हेक्टो पास्कल जो है सबसे बड़ी इकाई है वायुदाब मापने की, बैरोमीटर भी है लेकिन बैरोमीटर के अंदर जो है हेक्टो पास्कल लगा होता है, इसमें यही चीज पूछ रहा है। ओजोन जो है डाप्सन से मापा जाता है, ध्यान में रखिएगा डाप्सन, डाप्सन में सौर विकिरण जो है, ये होगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 33 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा यानी 1884 में। 34 नंबर है दोस्तों, कह रहा है कि पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है, यानी जो पिट्सबर्ग है यानी लोहे का जो क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है दोस्तों, ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये पूछ ले कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, तो भारत का है ये जमशेदपुर, ध्यान में रखिएगा जमशेदपुर झारखंड में है, जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी प्राइवेट क्षेत्र है दोस्तों ये जमशेदपुर, और इसको जो है पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं भारत का। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर है कथन कारण दिया गया है इसमें 35 नंबर में, कह रहा कि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ए कह रहा है और आर कह रहा है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उत्पादक है, तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही है कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। देखिए हमने पहले वाले में भी इस तरह से बताया है कि जब आप ये समझ लीजिए कि जैसे पूछ रहा है कि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, ये तो बात सही है कि अहमदाबाद जो है भारत का मैनचेस्टर है, लेकिन क्यों है, अब आप क्योंकि, क्योंकि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उत्पादक है, इसीलिए अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि जब आप जोड़ देंगे तो अस्पष्ट रूप से वो निकल जाएगा,
इसलिए यहाँ पे ए वाला विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 35 नंबर हो गया दोस्तों, अब जो है 36 नंबर हम बढ़ेंगे। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सह्याद्री के उच्च भागों पर। 37 नंबर है, कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, पशु, पशु एवं पौधे, पौधे एवं जीव। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जीव। देखिए इसमें पशु भी आ जाएंगे, जीव के अंतर्गत पशु भी आ जाएंगे एवं पौधे भी आ जाएंगे, तो जीव ही हमारा सबसे परफेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा 38 नंबर, कह रहा है कि लेनिन ग्रांड पत्तन स्थित है, तो ये है दोस्तों बी वाला विकल्प, यानी रूस में स्थित है। आगे है, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ये ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है ये काफ़ी जो है कठोर होता है। हाँ, 40 नंबर है, देखिए मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम। देखिए यहाँ पे अवरोही की बात हो रही है, अवरोही आरोही ध्यान में रखिएगा। अवरोही का मतलब है सबसे बड़ा, जो सबसे अधिक क्षेत्र माना जाए, जिसे मैंगनीज के उत्पादक में जो सबसे बड़ा हो ये चीज़ है, तब उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से। लेकिन आरोही में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पहले मैंगनीज के उत्पादन में दक्षिणी अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है, फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ग्राबेन उत्पन्न होता है, तो ये भ्रंशन से, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, भ्रंशन से होता है। आगे है दोस्तों 42 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई इनमें से कौन से कथन में जो है सत्य है। देखिए इसमें चारों सत्य हैं, इसको आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, डी वाला विकल्प, यानी 1 2 3 4, यानी सभी सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं, इस कथन को किसने कहा है। तो ये वाइडल डी लावलास ने कहा, यानी सी वाला विकल्प सही है। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं, तो यह है कश्मीर, यह डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कश्मीर हिमालय में यह करेवा का निर्माण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र, यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काली मिट्टी भी है, काली या रेंगुर जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा भाग जो है इसका लेटराइट मिट्टी भी मिलती है, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है, आवर वाइंडरिंग कॉन्टेंट नामक पुस्तक किसने लिखी, बिग ग्रांड ए डू डॉइट ए वेगनर जी एच डरी, तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ए डू डॉइट। अगला है दोस्तों, पूछ रहा है कि बुशमैन हॉन टे टाट प्रजाति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी निग्राइट प्रजाति से संबंधित है। अगला पूछ रहा है कि मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, तो कौन सी झील है, तो यह है ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी भ्रंश घाटी से, जो मृत सागर है ये भ्रंश घाटी से निर्मित झील है। अगला है 49 नंबर की, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी लुसियन फेब्रे को कहा जाता है। आइए अब 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत ही सरल इसमें देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, पूछ रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, ए विकल्प है अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से, या फिर आंग्ल से, तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है। जबकि जो है सुनामी की अगर हम बात करें, सुनामी देखिए ये सब पूछा जाता है, सुनामी तो ये जापानी शब्द है, ध्यान में रखिएगा जापानी शब्द है, लेकिन जो मानसून है ये अरबी शब्द है। पृथ्वी पर देखिए 51 नंबर है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको सबसे पहले होने का कारण में देखिएगा कि पृथ्वी पर दिन रात किस तरह से होते हैं, और एक आपका ऑप्शन वैसे ही निकल जाएगा। तो पृथ्वी का धुरी पर झुक घूमना ये तो दिन रात होता है, इसी कारण तो होता है, जब पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमेगा तभी तो दिन रात होगा, ये तो सही है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना ये भी सही है, भू कक्ष का अंडाकार होना ये भी सही है, लेकिन पृथ्वी का धुरी पर झुकना ये जो है दिन रात होने का कारण नहीं है, इसलिए डी वाला विकल्प सही है, पृथ्वी
पृथ्वी का धुरी पर झुकना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है तो कौन सा है, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश है। फिर पूछ रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम, यानी आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो विकास का सही क्रम क्या होगा, कि सबसे पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, इस तरह से ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें देखिएगा, यानी डी वाला विकल्प सही है कि सबसे पहले क्या हुआ, भोजन संग्रह हुआ, फिर कृषि जो है उत्पन्न हुई, फिर उसके बाद औद्योगीकरण हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और 54 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, कि कौन एक है जो कृषि से संबंधित नहीं रखता है। श्वेत क्रांति ये दुग्ध से है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। नीली मछली से है, पीली दलहन से है, तो फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी वाला ही विकल्प सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कृषि से संबंधित नहीं है, तो दूध भी कृषि से संबंधित आता है, मछली भी कृषि में आ जाता है, पीली क्रांति जो दलहनी है ये भी कृषि से आ जाएगा, लेकिन जो है इसमें एक ऑप्शन दिया था उपयुक्त से कोई नहीं, तो यही जो है डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर कह रहा पीत बामन किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम, ध्यान में रखिएगा उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः में अंकित किया गया, तो ये उच्चतम में बिहार ही है ही, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। देखिए कोरियालिस का बल जो है ये फैरल ने ही दिया था, ध्यान में रखिएगा फैरल का नियम ये कहता है कि जब हम जिस तरह से वायु चल रही है, जब हम उस तरफ जो है मुंह करके खड़े हो जाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे दाईं ओर उच्च दाब और बाईं ओर निम्न दाब बनेगा, यही होता है कोरियालिस बल। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी यह पृथ्वी के अपवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है, यही जो है सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर देखेंगे। 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुलोमित नहीं है, तो एक तरफ वनों का प्रकार है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कांगो बेसिन, ये तो सही है, कोणधारी वन जो है उत्तरी कनाडा में, ये भी सही है, भूमध्य सागरीय वन कैलिफोर्निया में, ये भी सही है, लेकिन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये मंगोलिया जो है इसमें जो मंगोलिया है ये चीन के पास में है, और ये मंगोलिया में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ठंडा ये जो है ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। आइए 59 नंबर देख लेते हैं। 59 नंबर है हमारा, कह रहा सूची वन सूची दो के साथ मिलान कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है, अब एक तरफ दिया है विद्वान, एक तरफ सिद्धांत, यानी इसमें मिलान करने के लिए देख लीजिएगा आप लोग, इसमें है ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी चार का ए, तो चार का ए, फिर है तीन का बी, फिर है एक का सी, फिर है इसाक न्यूटन जो है नाहर सिद्धांत, यही जो है इसमें सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 58 नंबर तक हो गया दोस्तों, आइए इसके आगे का देख लेते हैं, 60 नंबर से 62 नंबर तक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है, तो ये प्रवाल को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि प्रवाल को सामुद्रिक जो है वर्षा वन कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 61 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही जो है उत्तर का चयन कीजिए। पहला है जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है, सही बात है, जब सूर्योदय होता है धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तो कोहरा ऊपर उठने लगता है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषाकाल में कोहरा उत्पन्न होता है, तो विकिरण जो किरण उसकी आती है शीतल, उसके कारण आरंभिक उषाकाल यानी सूर्य उदय न हुआ हो
उस काल में कोहरा उत्पन्न होता। सही बात है, यानी है एक और दो दोनों, यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 62 यानी 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर का क्वेश्चन है, उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों में वर्गीकरण सही है? तो सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। जी हाँ दोस्तों, ए वाला विकल्प सही है। 63 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम। जी हाँ दोस्तों, कि धान उत्पादन में सबसे अधिक किस्में हैं, फिर किस्में हैं, फिर किस्में, इस तरह से। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पहले चीन है, फिर भारत है, फिर इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये था ज्योग्राफी TGT का जो है 63 क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व कराया और ये ऑफिशियल आंसर की था जो कि आयोग ने घोषित किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री का जो है पोर्शन लेकर के आएंगे और उसे सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें उनमें